बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने शायदा मैडम बी एम एस जचर द्वारा आज पांचवी जमात का उर्दू की क्लास मौजू है इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इंसाफ 1400 साल पहले अरब की सरजमीन जहलत के अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ अयाशी और बेहयाई का दौर दरा था। अक्सर लोग अनपढ़ और जाहिल थे। जरा जरा सी बात पर एक दूसरे के साथ झगड़ पड़ती थी। इंतकाम का जज्बा आम था। अक्सर झगड़े नस्ल दर नस्ल रह चलते रहते। झूठ फरेब और रियाकारी आम थी। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता है। अमीर लोग नजूत और तकबर में गिरफ्तार थे। उनके लिए ना कोई कानून था और ना उनसे किसी तरह की बाज फुर्स होती थी। जो जी में आता था करते थे। गरीबों को हर तरह की जल्द उठाना पड़ती थी और इन पर तरह तरह के जुल्म रिवाज रखे जाते थे। अरब की ये जहलत जब इंतहा पहुंची तो खुदा की रहमत जोश में आई और उसने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा ताकि गरीब और नादार बेकस लोग इज्जत की जिंदगी बसर कर सके। आपने ये तालीम दी है कि अल्लाह और अल्लाह के कानून की नजर में गोरा और काला, अजमी और अरबी, अमीर और गरीब सब यकसान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। अलबत्ता अपने अमल से छोटा बड़ा हो सकता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ का यकसान कानून राइज करके इंसानों के दरमियान ऊंच नीच के फर्क को यकसर खत्म कर दिया। अरब में सबसे पहले लड़कियों को जिंदा दफन कर दी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर आए तो उन्होंने सब निजाम को ठीक कर दिया। बच्चों, ये आपके सामने ये मुश्किल अल्फाज सरजमीन लिखो। सरजमीन जहलत अंधेरे अयाश बेहयाई जाहिल इंतकाम जज्बा झगड़े नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल झूठ फरेब रियाकारी आम जिंदा दहन तकबर गिरफ्तार कानून बाज पुरुष गरीबों जलर जुल्म अरब अलग इंतहा रहमत जोश हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत बसर तालीम गोरा काला अजमी अरबी यकसान अलबत्ता अमल अदल इंसाफ ऊंच नीच फर्क यकसर। बच्चों, ये थे आज पांचवी जमात की उर्दू का इंसाफ इंसाफ की क्लास। अब इसके आगे सुबह पढ़ेंगे। बाकी वसलम।